वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है। इस बार कप्तान भी अलग है, टीम भी अलग है और कोच भी। पिछला न्यूजीलैंड का दौरा बेहद यादगार था क्योंकि वो बताऊंगा मैं वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट हब। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है। 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच टीम को 3 T20 और 3 ही वनडे मैच खेलने हैं। इस बार टीम इंडिया नए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ खेलने उतरेगी। कप्तान के साथ साथ टीम में भी कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जैसे शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, हर्षद पटेल और उमर मलिक। टीम 2 साल बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर है। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे आक्रामक खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। 2 साल पहले टीम इंडिया जब विराट की कप्तानी में न्यूजीलैंड के दौरे पर थी तो उन 5-0 से सीरीज अपने नाम की थी। अब हार्दिक पांड्या पर भी इसी प्रदर्शन को दोहराने की जिम्मेदारी रहेगी। टीम इंडिया जब 2020 में न्यूजीलैंड के दौरे पर थी तो 5 के 5 मैच जीते थे, जिनमें पहले मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था, दूसरे मैच में 7 विकेट से, तीसरा और चौथा मैच हम लोग सुपर ओवर की वजह से जीते थे और 5वें मैच में हम लोगों ने 7 रन से जीत दर्ज की थी। हार्दिक पांड्या बेहद ही आक्रामक खिलाड़ी है जो बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखा सकते हैं। उनके लिए प्रदर्शन दोहराना आसान भी नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी अपना दमखम दिखाने के लिए ही मैदान पर उतरेगी। हाल फिलहाल BCCI हर फॉर्मेट के लिए कप्तान, प्लेयर्स और कोच को बनाने की प्लानिंग कर रही है। मतलब जो खिलाड़ी T20, वनडे और टेस्ट मैच खेलते हैं उन्हें उनके प्रदर्शन के हिसाब से उन्हें एक फॉर्मेट दिया जाए ताकि वो अपना खिलाड़ी अपना बेस्ट दे पाए। अब T20 में कप्तान हार्दिक पांड्या की रणनीति देखने लायक होगी, वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों से प्रदर्शन निकलवा पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।